So good morning all dear students, this is Saurabh sir from Catch 25 Science Academy, right? Today I am going to teach you the probability. Probability is very easy chapter guys, okay? और ये probability हम अपने life में हर दिन use करते हैं, ये अपने life के हर पल में हम use करते हैं, but हमें पता ही नहीं है कि हम probability कैसे use करते हैं, ठीक है? तो आप देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, अपने लाइफ में। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले मुझे बताइए, आपके दिमाग में, मैं क्वेश्चन करूंगा, आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए, ठीक है? ओके, सो लेट्स टेक, मेरे पास एक कॉइन है, आई हैव अ कॉइन, मेरे पास एक कॉइन है। अभी ये कॉइन को मैं क्या कर रहा हूं, टॉस करता हूं, कॉइन को टॉस करता हूं, क्या आएगा आपके दिमाग में बताइए, क्या आएगा? यस, आपके दिमाग में सही है, दैट इज हेड या टेल, सिंपल, राइट, हेड या टेल, ठीक है? तो अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं, नॉर्मली हम क्रिकेट मैच खेलने के लिए बहुत सारी ऐसी अलग अलग उटपटान चीजों के लिए हम ऐसे कॉइन को यूज किया करते हैं, राइट, बट कभी हमने सोचा ही नहीं कि ये कॉइन भी शायद से अपने पढ़ाई में आएगा, ओके, यहां से ही अपना प्रोबेबिलिटी शुरू होता है। तो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला और बहुत ही आसान एग्जांपल इज कॉइन। चलिए देखते हैं, हेड एंड टेल, राइट। तो अगर मैं कॉइन को उछालता हूं तो देर आर टू पॉसिबिलिटी, राइट, दैट इज हेड एंड टेल। तो ये जो दो पॉसिबिलिटी है, बराबर, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही दो कॉइन को टॉस करता हूं, तो बताइए आपके दिमाग में क्या आया, होगा मेरे हिसाब से, मान के चलो पहला कॉइन में हेड आया, दूसरे कॉइन में भी हेड आ गया, राइट, एक ये पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, राइट, एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी, दोनों में टेल आ सकता है, राइट। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी हो गए, फोर इवेंट्स हो गया। सिंगल कॉइन अगर हम टॉस कर रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, दो कॉइन अगर हम टॉस कर रहे हैं तो चार पॉसिबिलिटी है। तो ये जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली मैथ्स के प्रोबेबिलिटी में इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस, एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज एन ऑफ एस, ओके, इट इज नोन एज एन ऑफ एस, ठीक है? तो ये दिमाग में रखिए, एन ऑफ एस प्लीज लिख लीजिए जल्दी जल्दी, आपको मेरे साथ लिखना भी है, नोट्स भी बनाते जाना है, ओके गाइस, ठीक है? सो आपने लिख दिया होगा, मैं आगे चलता हूं। ये तो एक कॉइन, दो कॉइन, मान के चलो तीन कॉइन हो गया, मैं तीन कॉइन एक साथ टॉस करता हूं, राइट, अगर मैं तीन कॉइन टॉस करता तो क्या होगा, लेट्स सी दैट। अगर मैं तीन कॉइन टॉस करता हूं तो सैंपल स्पेस कितना होगा, चलिए निकालिए, आपको खुद से अभी कैलकुलेट करना है। आपके दिमाग में आया होगा पहले हेड, वापस से हेड, और एक हेड आ गया, तीनों हेड आ गए, और क्या पॉसिबिलिटी है, हेड और एक हेड, और ये जो हेड है थर्ड वाला वो हो गया टेल। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, हेड टेल, हेड और एक पॉसिबिलिटी क्या है, हेड टेल टेल, बराबर, चार पॉसिबिलिटी हो, और भी हो सकता है, यस, क्या हो सकता है, अभी ये जो हेड है दैट बिकम्स द टेल, और ये वाला जो रिपीट कर लेता हूं मैं, हेड हेड, अगर आप देखोगे पहले चार इवेंट के लिए ये अपना हेड था, बराबर, और वो टाइम पे ये दो चेंज हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, ये जो चार है ये लास्ट वाला वो अपना है टेल, टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, उसके बाद टेल टेल हेड, एंड उसके बाद टेल टेल टेल,
मेरे हिसाब से इतने पॉसिबिलिटी है, टोटल कितने पॉसिबल इवेंट हो गए, 8 इवेंट हो गए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 8। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 8। समझ में आया स्टूडेंट्स? राइट। तो हम डेली लाइफ में कॉइन यूज करते हैं, वैसे ही हम डेली लाइफ में और क्या करते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। आप लोग ने डाइस सुना होगा, वो जिसके 6 साइड होते हैं, राइट, ऐसे देखा भी होगा और खेलते भी होंगे। लॉकडाउन में बहुत लोग घर पे बैठ के यही किया करते थे, राइट, ओके। जिसके यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 3 साइड है, एंड सो ऑन। चलिए तो अभी हम डाइस का एग्जांपल देते हैं कि नंबर ऑफ स्पेस कैसे होता है, सैंपल स्पेस। चलिए डाइस, अगर मैं डाइस थ्रो करता हूं तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर आप बताइए, सोचिए दिमाग में क्या क्या पॉसिबल। डाइस थ्रो किया, 1 आ सकता है, यस, 2 आ सकता है, यस, 3, 4, 5, एंड सबसे ज्यादा जिसका नॉर्मली गेम खेलने में लोगों को होता है कि हमेशा हमें 6 आए, तो फटाफट लोगों से आगे बढ़ जाए, राइट। तो 1 to 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितने पॉसिबल इवेंट हुए हैं, कितने हुए हैं, लिख दो बुक में, 6, राइट। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया, सैंपल स्पेस बन जाता है 6 फॉर द डाइस। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही हम ले लेते हैं 2 डाइस, एक ये डाई हो गया, ये दूसरा डाई हो गया, राइट। और अभी हम थ्रो करते हैं तीनों डाई एक साथ, अभी हम थ्रो करते हैं दोनों डाइस एक साथ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो देखते हैं। यहां पे सिंगल डाइस में 6 पॉसिबिलिटी था, अभी हम देखते हैं 2 डाइस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। चलिए, ओके, कम ऑन। सो सबसे पहला पॉसिबल इवेंट है, मान के चलो पहला भी बनाया, दूसरा भी बनाया, 1-1 बराबर, और क्या हो सकता है, 1-2। मैं अभी क्या कर रहा हूं, पहला वाला फिक्स रख रहा हूं, दूसरा वाले को चेंज करते जा रहा हूं, ठीक है। आप भी मेरे साथ लिखेंगे, आपको भी दिमाग में बैठ चुका होगा क्या करना है, 1-3 बराबर, 1-4 बराबर, 1-5 एंड 1-6, ओके, हो गया, 6 इवेंट होंगे, नहीं ना, आगे भी लिखो। अभी ये 1 को मैं चेंज कर लेता हूं 2, अभी करेंगे 2-1, फिर लिखेंगे 2-2, अभी ये फिक्स होगा 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, लिखते जाइए फटाफट, खत्म नहीं होता है यहां पे, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 बराबर, देन 4-1, थक गए होंगे लिखते लिखते, बट लिखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 बराबर। नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट आप देख सकते हो कितने ज्यादा है, अगर हम 2 डाइस लेते हैं, राइट, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 एंड 6-6 बराबर। तो टोटल कितने इवेंट हो गए, टोटल कितने इवेंट हो गए, 36। आप काउंट करोगे तो टोटल इवेंट हो जाएंगे 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब अगर सिंगल डाई 6 है तो सेकंड डाई के लिए 6 × 6 आंसर आ जाएगा 36, आंसर आ जाएगा 36। समझ में आया, राइट। सिमिलरली अगर 3 डाइज होंगे तो आप बताइए आंसर क्या होगा, 3 डाइज होंगे तो क्या होगा आंसर, मैं यहां पे लिखता हूं 3 डाइज के लिए आंसर बताएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, 6 × 6 × 6, तो आपको निकाल लेना है कितना होगा, करेक्ट। तो यही हिसाब से ये डाइज वर्क करता है, सबसे पहले हमने देखा कॉइन, उसके बाद हमने देखा डाइज। अभी हम और क्या लॉकडाउन में खेल रहे थे, बहुत सारे लोग कार्ड खेलते थे,
राइट। चलिए तो कार का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप कार्ड खेलते थे तो कार्ड कैसे होता है? यस, कार्ड्स पत्ते, पत्ते हिंदी में बोलेंगे, बराबर। कितने कार्ड्स होते हैं सर? कितना इजी क्वेश्चन है। 52, बराबर। 52 कार्ड्स है, करेक्ट। 52 कार्ड्स में कलर देखते हैं, एक होता है ब्लैक कलर और एक होता है रेड कलर, बराबर। अगर मैं एक वन पैक ऑफ कार्ड लेता हूं और उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करता हूं तो मुझे बताइए कितनी पॉसिबल इवेंट होंगे, कितनी पॉसिबल एन ऑफ एस क्या होगा, सोचिए। सही आंसर है आपके दिमाग में जो आया वो आंसर इज 52। वन पैक ऑफ कार्ड से अगर एक कार्ड निकालेंगे तो ऐसे पॉसिबल कितने होंगे? 52। तो एन ऑफ एस क्या हो गया? 52, राइट। अभी हम और आगे चलते हैं, लेट्स टेक रेड कलर एंड ब्लैक कलर। तो 52 हैज बीन डिवाइडेड इनटू रेड कलर एज वेल एज ब्लैक कलर, सो ये होंगे 26 और ये होगा 26। 26 एंड 26, रेड कलर के 26 है, ब्लैक कलर के 26 है। अभी देखते हैं, अगर मुझे कार्ड निकालना है, एक कार्ड निकाला बट वो रेड ही आना चाहिए, वो रेड ही आना चाहिए, तो रेड कार्ड के लिए एन ऑफ एस कितना होगा? एन ऑफ एस कितना होगा सोचिए, फॉर रेड कार्ड एन ऑफ एस। यस, आपके दिमाग में जो आंसर आया वो एकदम सही है, दैट इज 26। सिमिलरली ब्लैक कार्ड मुझे निकालना है, ब्लैक कार्ड निकालना है, बताइए मुझे ब्लैक कार्ड के लिए एन ऑफ एस क्या होगा? डेफिनेटली एन ऑफ एस सेम होगा, दैट इज 26। समझ में आया? यस और नो? यस, कम ऑन, लेट्स गो अहेड। कार्ड को और स्प्लिट कर लेते हैं, बराबर। हिंदी में बोलेंगे रेड कलर में क्या क्या होता है, दिमाग में दो आंसर आए होंगे, लाल और चरकट, बराबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, सोचिए, बराबर। इंग्लिश में बोला जाता है हार्ट, एंड बोलिए बोलिए सोचिए, डायमंड, डायमंड। तो ब्लैक में भी है, वैसे ही दो है बताइए, एक होता है स्पेड और दूसरा होता है क्लब, दूसरा होता है क्लब, कोई बात नहीं, क्लब और स्पेड, डायमंड एंड हार्ट, बराबर। लाल चरकट, फल्ली एंड काली, ये बोलते हैं ना हिंदी में, इसको इंग्लिश में ये हिसाब से नाम दिया है। आप मेरे से ज्यादा मास्टर हो, आपको आता ही होगा, बट देन टू जस्ट हिंदी और इंग्लिश प्रोनाउंस करना, पता होना जरूरी है। ओके, कम ऑन, तो हार्ट के कितने कार्ड होंगे? अगेन 26 हैज बीन डिवाइडेड इनटू 13 एंड 13, 13 हार्ट होंगे, 13 डायमंड होंगे, सिमिलरली 13 स्पेड होंगे और 13 क्लब होंगे, करेक्ट। समझ में आया? ओके, नाउ ये जो 13 कार्ड्स है इसके अंदर पिक्चर कार्ड कितने होंगे? हाउ मेनी पिक्चर कार्ड वर देयर? पिक्चर कार्ड कितने होंगे सोचिए, क्या क्या होता है पिक्चर में? गुल्ला, रानी एंड राजा, तीन होते हैं, बराबर। तो 3 आर द पिक्चर कार्ड, बराबर। और एस, एस मतलब सबका फेवरेट इक्का, जो हमेशा अपना गेम जिता के जाता है, तो इक्का होता है एक, एस होता है 1। ओके, तो हर एक के अंदर हार्ट में भी 3 पिक्चर कार्ड होंगे, ओके, दैट इज बराबर। एस एक होगा, सिमिलरली डायमंड में भी वैसा ही है, स्पेड में भी ऐसा है और क्लब में भी वैसा है, ओके। समझ में आया नंबर ऑफ कार्ड? ओके, तो नंबर ऑफ स्पेस जो हिसाब से सिलेक्शन करना है वो हिसाब से चेंज होगा। इफ फॉर एग्जांपल पैक ऑफ कार्ड में से मुझे अगर मैं कार्ड सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे चाहिए स्पेड, तो स्पेड का, अगर स्पेड आने का
पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कितना है स्पेड आने का, पॉसिबिलिटी कितना है, पॉसिबिलिटी ट्राइन ऑफ एस फॉर नंबर ऑफ स्पेड के लिए सैंपल स्पेस होगा स्पेड के लिए 13, मतलब 13 आ सकते हैं, 13 पॉसिबल इवेंट है पूरे पैक में से, राइट। सिमिलरली मान के चलो ऐसा बोला है एस आने का पॉसिबिलिटी बताइए, एस मतलब इक्का, तो पूरे कार्ड में एस का नंबर ऑफ स्पेस कितना है, कितना है, चार इक्के हैं, एक दो तीन और चार, चार एस होगा तो नंबर ऑफ स्पेस होगा चार, बराबर समझ में आया। अगर मान के चलो बोला पिक्चर कार्ड बताइए, अगर मैं कार्ड सिलेक्ट करता हूं तो पिक्चर कार्ड कितनी पॉसिबल इवेंट होंगे, पिक्चर कार्ड यहां पे तीन, हार्ट के तीन, डायमंड के तीन, स्पेड के तीन और क्लब के तीन, 3 4 आ पिक्चर कार्ड होंगे 12। तो अगर पिक्चर कार्ड सिलेक्ट करना है तो उसका नंबर ऑफ स्पेस कितना हो गया 12, सिंपल, समझ में आया, यस और नो, राइट। तो यहां पे हमने क्या क्या देखा, कॉइन इवेंट समझा, कॉइन डाइस एंड द लास्ट वन इज द कार्ड्स, ओके। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो मेजर क्वेश्चंस यही तीन इवेंट्स में से आते हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, राइट। तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे हमने देखा सैंपल स्पेस, ओके। नाउ विल्स इन नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको समझाऊंगा प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस से कैसे आता है, ओके। चलिए, थैंक यू।